अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है नौजवानों? अच्छा, जो लोग मेरे से लास्ट टाइम या पहले पढ़े हुए हैं, मेरे स्टूडेंट वाइडिया है, और जो मुझे पहली दफ़ा देख रहे हैं, तो आपको मैं जिक्र कर देता हूँ। कोशिश बेटा ये करूँगा कि आप मेरे से सेशन के अंदर सिर्फ कॉस्ट काउंटिंग के अलावा और भी मैं आपकी ज़िंदगी में जो चीज़ अच्छी ऐड कर सका, कोशिश यही करूँगा कि जो बोलूँ वो आपको उसका तजाद मेरे अंदर नजर ना हो, यानी आपको ये ना लगे कि यार खुद तो ऐसी बातें करते हैं, खुद देखते हैं आपको। तो कोशिश मेरी यही है, इरादा भी यही है, अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ कि आप लोगों की ज़िंदगी में जो भी चीज़ें पॉजिटिव ऐड कर सका दीन के हवाले से, तो वो इंशाल्लाह ज़रूर ऐड करूँगा। उसमें सबसे पहले कोई रूटीन है काफ़ी सालों से, और अल्लाह का शुक्र है, तो रूटीन ये है कि हर क्लास में क्लास शुरू करने से पहले दुरूद शरीफ पढ़ लें रोज़। इसी तरह से इंशाल्लाह मामला रखेंगे, तो इसकी खैर फजीलत अपनी जगह, लेकिन आदत बना लेते हैं। तो सारे लोग दुरूद शरीफ पढ़ लें। जी, तो कल मैंने मामला एंड यहाँ किया था कि आपको मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे और उनकी रिवीजन थी असल में, तो नया कॉन्सेप्ट नहीं बताया था, ये आपने FER 1 में पढ़े हुए हैं, ये सब मैंने वो डिस्कस किए थे। अच्छा, आज से मैं आपको इसका सिलेबस स्टार्ट कर रहा हूँ, और उसमें जो सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ आपके साथ वो है इन्वेंट्री वैल्यूएशन। इन्वेंट्री वैल्यूएशन चैप्टर 1, इस चैप्टर में कुछ नया नहीं है। ये जिन्होंने FER 1 पढ़ी हुई है दो सेशन पहले, तब ये FER 1 में हुआ करता था, इंट्रो में तो होता है इंट्रो अकाउंटिंग में, लेकिन जिन्होंने पिछले साल के अंदर FER 1 पढ़ी है उसमें FER 1 के सिलेबस से तो ये निकल गया है, लेकिन इंट्रो में बाहर आ गया, तफसील से मौजूद है। तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन में नया कुछ भी नहीं है, इसके सवाल भी 2012 में आया था एक दफ़ा, 2010 2012, और उसके बाद पिछले साल ये थोड़ा सा एक पार्ट के तौर पर मिक्स हुआ था प्रोसेस कॉस्टिंग के साथ, तो इसका सेपरेट सवाल आने का चांस बहुत कम है। 2012 की बात कर रहा हूँ, अभी तक की बात पुरानी स्कीम है, तब ये इन्वेंट्री ये FER 1 वगैरह नहीं हुआ करते थे। उसके बाद फिर जब नई स्कीम आई उसमें कॉस्ट के सिलेबस में और चीज़ें ऐड हो गई, तो ये एक बेहतर सा चैप्टर रह गया, तो फिर इसके सवाल नहीं टेस्ट होते थे। लेकिन क्योंकि साल पहले पिछले साल की बात है, गालिबन स्प्रिंग 19 में इसका सवाल टेस्ट हुआ था, और वो फुल फ्लेज इसका सवाल नहीं था, असल में वो सवाल प्रोसेस कॉस्टिंग के साथ मिक्स था, लेकिन क्योंकि भारत इन्वेंट्री वैल्यूएशन में टेस्ट हुई थी, तो चैप्टर में छुड़वाया नहीं करता। नया कुछ नहीं है इसमें, कुछ नया बताने को नहीं, आपको सारी बातें आती हैं पहले, तो जो आपको सारी बातें आती हैं इखलाकन उसकी प्रैक्टिस करा देता हूँ, ताकि ये भी ना फील रहे कि हमने चैप्टर नहीं किया। तो ये जो अभी मैं आपको कराने लगा हूँ, इखलाकन एक सवाल करा रहा हूँ और एक सवाल देता हूँ होमवर्क, और फिर चलो एक और करा दूंगा और एक होमवर्क करूँगा। तो ये जो काम है ना, ये सिर्फ मैं इखलाकन दिल की तसल्ली के लिए, कि ये फिक्र ना हो कि शायद मैंने चैप्टर किया ही नहीं है, और इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि मुझे आज भी बच्चे ने पूछा कि जो आप लोग जो आप पढ़ाएंगे सेशन लेट शुरू हो रहा है, कल वाली बातें मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जो सेशन शुरू हो रहा है तो आप क्या रिपीटर्स की वजह से शुरू में कुछ छुड़वा देंगे या तेज पढ़ाएंगे, तो मैं आपको सारा कुछ बिल्कुल जीरो से पढ़ाऊंगा। इस चैप्टर को मैं बस एक चैप्टर एक सवाल करा के गुजार रहा हूँ, इसको टपाना नहीं कहते, ये ऐसी बस सवाल आपने इसके पहले किए हुए हैं, तो इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ इखलाकन का सवाल करा रहा हूँ, वरना इसके बाद जो कॉस्ट अकाउंटिंग में चैप्टर पढ़ाने, मैंने बिल्कुल जीरो से ही पढ़ाने, कॉस्ट अकाउंटिंग बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहा हूँ। तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन सबसे पहले चैप्टर 1, इसमें कुछ नया नहीं है, और ये आपको बात बचपन से इतना पता है कि जो इन्वेंट्री है वो वैल्यू की जाती है। इन्वेंट्री होती क्या है, जो साल के एंड पे हमारे पास चीज़ें बची रह गई, वो तो खैर एंडिंग इन्वेंट्री है, लेकिन साल के दौरान कभी भी जो हमारे पास स्टोर में चीज़ें मौजूद हैं, क्यों मौजूद हैं, कौन सी चीज़ें मौजूद हैं, जो हमने या तो बेचनी है या मैनुफैक्चरिंग बिजनेस है तो उन गुड्स को बनाने में इस्तेमाल करनी है। जैसे अगर हमारा बिजनेस है कि हम फर्नीचर खरीद के बेचते हैं, तो जो फर्नीचर हमारे स्टोर में मौजूद है वो हमारी इन्वेंट्री है, या फिर हम बिजनेस मैनुफैक्चरिंग बिजनेस में इन्वॉल्व हैं और हम जूते बना के बेचते हैं, तो जूते बनाने के लिए जो चमड़ा इस्तेमाल होना है वो भी गुड्स बनने में इस्तेमाल होना है, तो वो अगर स्टोर में बड़ा होगी इन्वेंट्री, तो ये होती है इन्वेंट्री। अब अगर हम साल के एंड की बात करें तो उसको क्लोजिंग इन्वेंट्री कह देंगे, साल के शुरू की बात करें तो ओपनिंग इन्वेंट्री कह देंगे। तो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जहां इन्वेंट्री जो होती है, कहाँ होती है भाई, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम में, तो उसकी वैल्यू क्या रखी जाती है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन। अब आपने चीज इंट्रो में सीखी हुई है कि इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट लोअर ऑफ या हायर ऑफ, लोअर ऑफ, लोअर ऑफ क्या, लोअर ऑफ दो चीजें, एनआरवी और कॉस्ट। एनआरवी क्या होती है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, इसको प्यार से एनआरवी कहते हैं। तो इन्वेंट्री वैल्यू होती है लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, और ये आपको पता है, पता होना चाहिए, नहीं पता तो शर्म होनी चाहिए। इन्वेंट्री को वैल्यू किया जाता है कॉस्ट और एनआरवी में से लोअर पे। अच्छा, कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट होती है, ये मैं आपको निकल के नहीं, सॉरी वो तो एफ वन की बात है। तो कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट ये होती है कि जो हमारे पास इन्वेंट्री मौजूद है जिस हालत में वहां तक पहुंचाने के लिए कितना खर्चा आया था, कॉस्ट पास्ट। तो इसमें कॉस्ट से मुराद है परचेज कॉस्ट एंड ऑल अदर डायरेक्ट कॉस्ट एट्रीब्यूटेबल फॉर ब्रिंगिंग द एसेट टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। इन्वेंट्री हमारे पास जहां और जिस हालत में पड़ी है, इन्वेंट्री एसेट हमारा इस वक्त जब हम वैल्यू कर रहे हैं, जहां और जिस हालत में मौजूद है वहां तक लाने के लिए इस पे जो खरीदने पे और जो भी डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल खर्चा है, जो इस पे खर्च हुआ था ये पास्ट है, वो सब इसकी कॉस्ट है। और एनआरवी क्या होती है, ये भी आपको पता है, एनआरवी होती है फ्यूचर, ये पास्ट का कॉन्सेप्ट है कि जो चीज़ हमारे पास है उस पर कितना खर्च हुआ था, और ये फ्यूचर का कॉन्सेप्ट है। फ्यूचर कह लें, प्रेजेंट कह लें, मेरी फ्यूचर प्रेजेंट अलग अलग बातें, हाँ अलग अलग बातें हैं, लेकिन फ्यूचर मैंने इसके लिखा है क्योंकि इसमें वो चीज़ें हैं जो भी होनी है, और प्रेजेंट मैंने साथ इसलिए कह दिया कि फ्यूचर आज 15 साल वाला नहीं, अभी इमीडिएट जो कल परसों अगले महीने में होना है। तो एनआरवी से मुराद है कि हमारे पास जो चीज़ें मौजूद हैं, जब इनको बेचेंगे तो कितने की बिकेंगी, फ्यूचर
फिर इनको चूंकि बेचना होगा तो इनके बेचने पे भी खर्चा भी हो सकता है, एक्सपेक्टेड कॉस्ट टू सेल। और हो सकता है कि जो चीज़ें हमारे पास हैं ये फिजिकली कुछ डैमेज हैं और इनको रिपेयर करने की ज़रूरत है, या फिर वर्क इन प्रोसेस है तो इनको कंप्लीट करने की ज़रूरत है। इन एनी केस जो खर्चा अभी होना है, कॉस्ट टू रिपेयर कह लें, कॉस्ट टू कंप्लीट कह लें, ये भी लेस। ये होती है एनआरवी। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि जो चीज़ हमारे पास अभी इस वक्त मौजूद है, प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, वहाँ तक पहुँचाने के लिए, वहाँ तक रखने के लिए हमें कितना खर्चा करना पड़ा था कॉस्ट, और हमारी इन्वेंट्री है क्यों, क्योंकि आगे हमने इसको या तो बेचना है या इस्तेमाल करना है। बेचना चले आप जानने रख लें, तो अगर हमें इसको आगे बेचना है तो अब से ऑनवर्ड बेचेंगे तो क्या फायदा होगा, क्या इन होगा, क्या इन होगा, इतने पैसे मिलेंगे क्योंकि बेचेंगे, और इतने का बेचने के लिए इतना खर्चा करना पड़ेगा, ये खर्च करेंगे तो इतने का बिकेगा। तो एनआरवी होती है कि जो चीज़ हमारे पास इस वक्त मौजूद है, जब इसको बेचेंगे तो नेट क्या मिलेगा फ्यूचर, और कॉस्ट जो चीज़ हमारे पास है, हमने जब खरीदी थी या बनाई थी तो उसको इन्वेंट्री बनाने तक पहुंचाने के लिए जो खर्चा किया था वो उसकी कॉस्ट है। तो कॉस्ट पास है, एनआरवी फ्यूचर। इसका कंपैरिजन क्यों किया जाता है? इसका कंपैरिजन किया जाता है कि जो इन्वेंट्री हमारे पास है आइडियली स्पीकिंग उसको कॉस्ट पे रिकॉर्ड होना चाहिए था, लेकिन अकाउंटिंग का एक बड़ा बुनियादी सा कॉन्सेप्ट है, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, कि हमने एसेट्स को बढ़ा चढ़ा के नहीं बताना, शोखे नहीं होना। तो अगर हमने एक चीज जो खरीदी थी वो हमें 100 रुपए की कॉस्ट की थी और हमें उसको बेच के कल को नेट 150 मिल जाना है तो बहुत अच्छी बात है, हम उसको कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन अगर हमने एक चीज 100 की खरीदी थी, वो इन्वेंट्री में हमारे पास मौजूद है, मार्केट में हो गया है, लॉकडाउन चीजें हो गई हैं सस्ती, तो वो जो हमने 100 की चीज खरीदी थी अब मुश्किल से 90 की बिकेगी। तो जब इससे फायदा 100 मिलना ही नहीं है तो उसको फिर 100 का बढ़ा चढ़ा के क्यों बताएं, तो उसको फिर कम करके 90 पे ले आएंगे। ये कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन की सिंपल सी बात क्या है कि जो हमारे पास इन्वेंट्री मौजूद है जिसको हमें वैल्यू करना है उसकी वैल्यू लगाई जाती है लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। कॉस्ट क्या होती है? पास्ट, जितने का इस पर खर्चा किया था, एनआरवी फ्यूचर, कि इसको अब बेचेंगे तो क्या नेट मिलेगा। कॉस्ट की कैलकुलेशन ये भी आपके बाएं हाथ का खेल है। कॉस्ट कैलकुलेट करने के, जब हम कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे कि हमें चीज कितनी कॉस्ट की और वो चीजें हमारे पास जो मौजूद है वो सिमिलर आइटम्स हैं, एक जैसी आइटम्स हैं। लेकिन अगर एक बिजनेस है जो चीजें बेचता है, यूज्ड मोबाइल बेचता है, अगर उसने प्रॉफिट कमाना है तो उस दुकानदार को पता होना चाहिए हर एक पड़ा हुआ मोबाइल के, ये मोबाइल कितने का खरीदा था उसने, क्यों पता होना चाहिए, यूज है क्योंकि हर एक की प्राइस फर्क है। यूज मोबाइल डब्बा पैक नहीं होता ना, हर मोबाइल चाहे वो सेम मॉडल का हो लेकिन हालत खराब है तो सस्ता बिकेगा, नए जैसा है तो महंगा बिकेगा। तो यूज मोबाइल की दुकान वाला अपने पास जो भी फोन रख के बैठा हुआ है उसको स्पेसिफिकली पता होगा कि हर पड़ा हुआ फोन मुझे कितना कॉस्ट किया था। लेकिन वो बिजनेस जो नई ब्रांड न्यू एक ऐसी चीजें बेचता है, जैसे मिसाल के तौर पर एक बिजनेस है ये चेयर्स बेचता है, अब ये चेयर्स जो बिजनेस बेचता है और वो सारी एक जैसी ही हैं, तो हो सकता है उसने आज से 2 महीने पहले जो लॉट मंगवाई थी उसमें एक चेयर को 2000 रुपए की कॉस्ट कर रही थी, फिर उसके बाद जो दोबारा लॉट मंगवाई उसमें एक चेयर 2200 की कॉस्ट कर रही थी, फिर कुछ से बाद और मंगवाई तो उसमें एक चेयर 2400 की कॉस्ट कर रही थी। अब ये सारी चेयर नई है, बिल्कुल एक जैसी है। अब ये एंड आ गया, स्टोर में पड़ी हुई है, हो सकता है उनमें से कुछ कुर्सियां वो हो जो 2000 वाली हैं, कुछ कुर्सियां वो हो जो 2200 वाली हैं, कुछ कुर्सियां वो 2400 वाली हैं, लेकिन चूंकि दिखने में सब एक जैसी हैं, स्टोर में पड़ी हुई हैं, तो उनको देख के नहीं पहचाना जा सकता कि कौन सी वाली चेयर की कॉस्ट क्या है। तो ऐसी चीजें जो दिखने में एक जैसी हैं और उनकी इन्वेंट्री में मौजूदगी की वजह से हमने उनकी कॉस्ट कैलकुलेट करनी है और वो डिफरेंट कॉस्ट पर खरीदी गई थी, तो इसमें फिर दो मेथड्स अलाउड हैं, फाइफो और वेटेड एवरेज। और मैं कॉस्ट की क्लास पढ़ा रहा हूँ, मैंने फाइफो वेटेड एवरेज नहीं समझाना, भी आपको आता है। फाइफो क्या है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, वो चीजें जो पहले खरीदी गई थी वो पहले यकीनन बेच दी गई थी, तो जो स्टोर में बची रह गई हैं, बल्कि समझाई थी आपको, जो बची रह गई हैं वो कौन सी हैं जो नई खरीदी थी, तो इस सूरत में स्टॉक इनमें से होगा जो बाद में खरीदी थी। वेटेड एवरेज है कि जिसमें हम चीजें खरीदते जाते हैं और उन सबके रेट्स मिला के एवरेज कर लेते हैं। हम ये कहते हैं कि जो भी यहाँ मौजूद है सब एक जैसा है, सबका रेट एक जैसा है, तो सबको हम मिला के एवरेज कर लेते हैं। अब ये दोनों अलग अलग रिजल्ट ही देंगे लेकिन हमारी मर्जी जो मर्जी फॉलो करें। तो जो इन्वेंट्री की कॉस्ट कैलकुलेशन करनी है, और मैं फिर बता रहा हूँ, वो आइटम्स जो एक जैसी हैं दिखने में फर्क नहीं बता सकते, लेकिन डिफरेंट पीरियड में खरीदे जाने की वजह से उनके रेट हमें अलग अलग पड़े थे, अब वो सारा मिक्स करके स्टोर में पड़ी है, तो हमें ये देखना है कि जो अब मौजूद है उनकी कॉस्ट कितनी है, तो उसके लिए दो मेथड अलाउड है, फाइफो और वेटेड एवरेज। तो ये आपको आता है। फिर इसके अलावा आपको एक और चीज आती है बिल्कुल अच्छे तरीके से, वो मुझे कॉस्ट अकाउंटिंग में बताते हुए शर्म महसूस होगी, वो है एंट्री कार्ड। वो आपको आता है बनाना, एंट्री कार्ड एक मूवमेंट होती है जिसमें हम लोग इन आउट्स बैलेंस ये सब कैलकुलेट कर रहे होते हैं, आपको एंट्री कार्ड आता है बनाना। कॉस्ट अकाउंटिंग में एंट्री कार्ड बनाने को आएगा नहीं, तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन की हद तक काफी है और इन्वेंट्री वैल्यूएशन ये आपके सामने है। तो ये सारा कुछ आपको पहले पढ़ाया जा चुका हुआ इंट्रो टू अकाउंटिंग में, ये आपको आता है बिल्कुल अच्छी तरह आता है, जब शक्लों में नजर आ रहा है। तो इसलिए ये चीज मैंने सिर्फ और सिर्फ इंतहाई इखलाकन आपको ये समझाया बताया है, रिवाइज करवाया है। अब मैं अगेन इंतहाई इखलाकन एक सवाल करा देता हूं और एक होमवर्क देता हूं। क्वेश्चन बैंक आप लोगों ने यकीनन खरीदे होंगे, इसके बगैर मैंने आपको इसमें सवाल कराने हैं या आपने खरीदना है। देखिए आपको रिजल्ट आ गया है ना, तो ये नहीं देखना कि देखते पता तो चल जाए पेपर पास होता है, कंटिन्यू करना है नहीं करना, तो पढ़ना है। तो ये बुक आपके पास हो और मैंने आपको इसमें सवाल कराया करने हैं, तो अभी आप आ जाइए इसके पेज 10 पे आ जाइए, पेज 10 क्वेश्चन नंबर 6 सुपीरियर एंटरप्राइजेस। अच्छा इसमें भी मैं आपको ये जरा तसली दे दूँ, ये जो है ना पेज 8 जिसमें प्रैक्टिस सेट लिखा हुआ है, इस प्रैक्टिस सेट में 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन है। ये जो 8 क्वेश्चन है ना ये कॉस्ट अकाउंटिंग के नहीं है, ये जो मैंने कहा कि पहले एफ आर 1 में हुआ करता था या पुरानी स्कीम मॉड्यूल बी एक स्कीम थी तो ये उसमें आया करते थे एफ आर 1 वगैरह मिला के, ये वहाँ से लेके सिर्फ रिवीजन के लिए यहाँ डाले गए हैं। तो आपने ये सवाल इंट्रो में यकीनन किए हुए हैं, फिर भी अगर आप समझते हैं कि इन्वेंट्री में इतनी चीज़ें याद नहीं है तो बेटा ये आपने खुद ही रिवाइज करने, इसमें से मैं इखलाकन आपको एक सवाल खुद करवा रहा हूँ, बाकी आपने खुद करने हैं। ये मैं होमवर्क भी नहीं दे रहा, ये मैं आपके जो जरफ है छोड़ा हूँ। अगर आप समझते हैं कि इन्वेंट्री आपके बाएं हाथ का खेल है बल्कि बाएं हाथ की भी चीज़ों का खेल है तो ये आप ना करें चाहे, लेकिन इतने शौके ना हो इसलिए कर लें। तो आप इस सवाल को जो मैं करवाने लगा हूँ ये तो कर ही रहे हैं, इसके अलावा बाकी जो सवाल है क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 8 की बात कर रहा हूँ ये कॉस्ट अकाउंटिंग के नहीं है, ये पुरानी स्कीम के मॉड्यूल बी के भी सवाल है और जो एफ आर 1 साल पुराना है ये उसके भी सवाल है। तो ये आप सबने सारे के सारे सवाल मुझे उम्मीद है कि इंट्रो टू अकाउंटिंग में किए हुए होंगे, आपको देखे सवाल भी याद आने लग जाएंगे। तो ये सवाल आपने खुद करने हैं, हसबे तौफीक करने कर लीजिएगा, क्योंकि कल मैं शायद एक लाख अगर दिल किया तो इसका एक सवाल करा दूंगा, बहुत है, उसके अलावा मजीद चैप्टर पर टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। इस चैप्टर में एक तो ये कॉस्ट कैलकुलेशन की बात थी, इसके अलावा आप जो लोग किताब की शक्ल देखेंगे इसमें
एंट्रीज हैं कुछ, ये एंट्रीज में अभी नहीं पढ़ा रहा, एंट्रीज में आपको पढ़ाऊंगा सिखाऊंगा एक सेपरेट चैप्टर के अंदर, डबल एंट्रीज का चैप्टर पढ़ाना मैंने, तो इस चैप्टर में डबल एंट्रीज बताई हुई है जो मैंने आपको नहीं सिखाई, डबल एंट्रीज में आपको एक सेपरेट चैप्टर है वहां पढ़ाऊंगा, तो डबल एंट्रीज आप इसमें से इग्नोर करें। उसके अलावा इसमें जो इन्वेंट्री की कॉस्ट एनआरवी वगैरह है, फाइफो वेटेड एवरेज, ये मैंने वही सब बताया है। और याद करने के लिए इसमें एक लास्ट पे चैप्टर के लास्ट पे एक टॉपिक लिखा हुआ है इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, किसके फाइफो के और एवको, ये आईके पोस्टर में से कॉपी करके डाला है इसमें आपके आसानी के लिए, तो आपने ये याद करने। तो इस चैप्टर में से याद करने वाली बात बता रहा हूं आपको, इस चैप्टर के एंड पे, ये पेज नंबर 6 से शुरू हो रहा है, पेज 6 चैप्टर एंड पे टॉपिक है जिसमें फाइफो और वेटेड एवरेज के एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं, तीन चार पॉइंट्स हैं, ये आपने याद करने। कॉस्ट अकाउंटिंग में थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल टेस्टिंग भी होती है रट्टे वाली, इस रट्टे वाले में मैं आपको हर चैप्टर में साथ साथ मार्क करवा दिया करूंगा कि कौन सी चीजें आपने याद करनी है। और याद क्यों करनी है भाई, आप अपने पास से लिख सकते हैं तो जरूर लिख लीजिएगा, नहीं तो याद कर लेना बेहतर है। पेपर कॉस्ट अकाउंटिंग का है तो ये रटा क्यों है, मैं रटा कर सकता हूं, इसमें बल्कि पूरा चैप्टर भी है जो अखीर किस्म का रटा लगाना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि वो चीजें इतनी मुश्किल है कि आप अगर कहीं अपने पास से लिखने के तो मुश्किल हो जाएगी। अब करेंगे ये कि मैं हर चैप्टर में आपको साथ साथ चीजें याद करने वाली बता रहा हूँ, और ये वो चीजें जो आप पढ़ के देख के आइडिया हो जाएगा कि आप खुद अपने पास लिख सकते हैं, तो बुक में जो लिखी है मार्क करवा दिया करूंगा। लेकिन इसके अलावा दो चैप्टर ऐसे हैं जो काफी एडवांस है, एडवांस इन अ वे के उसमें कुछ ऐसी हवाई बातें हैं बीएमबीएस की तरह की, वो अपने पास शायद ना लिख सकें और उनमें वो बहुत ज्यादा समझाने वाली चीजें भी नहीं है, तो उसका एक हल ये करूंगा कि उसमें ये कर लेंगे कि मैं आपको साथ साथ, अभी नहीं शुरू में कुछ अर्से बाद जाकर मैं आपको साथ साथ उनकी डिस्कशन पेज बाय पेज करके हम टारगेट रख क्या करेंगे कि आप कल आप ये पेज पढ़ के आने, तो मैं आपको फिर उस पेज पे अगले दिन जो उसमें मोटी मोटी बातें वो बता दिया करूंगा ताकि आपको याद करने में आसानी। अच्छा ये भी हो सकता है कि जो पेज आपको पढ़ने को कहूँ उससे पहले मैं आपको उसकी मोटी मोटी बातें समझा दिया करूँ, लेकिन एक एक दो दो पेज करके हम जो दो थ्योरी वाले चैप्टर हैं जो प्योरी रटे वाले, पांच सात नंबर का साल आएगा वो इसी तरह से तैयार करेंगे, क्योंकि अगर वो हम एंड के लिए छोड़ेंगे तो आपके पास टाइम नहीं बचेगा। तो मैंने सेशन के दौरान ही प्लान किया हुआ है कि जो थ्योरी वाले चैप्टर्स हैं ये आखिर में चैप्टर 16 है और 18 है, ये चैप्टर्स हैं, इनमें मैं डेली कुछ इस तरह तरीके बनाया करूंगा कि आपको एक या दो पेजेस पहले थोड़ा सा गाइड करके थोड़ा सा गाइड करूंगा, उसके बाद वो पेजेस कहूँगा पढ़ के आइएगा, उसमें फिर अब जब तक वीडियो लेक्चर है तब तक मैं सुन तो सकता नहीं हूं, लेकिन इंशाल्लाह जब जुलाई में क्लासेस शुरू हो जाएंगे फिर वो जबानी सुना भी करूंगा, टेस्ट भी रखेंगे उसका। तो दो चैप्टर टिपिकली थ्योरी वाले हैं, उसके अलावा हर चैप्टर में जहां जहां थोड़ी बहुत प्रैक्टिकल चीजें हुआ करेंगी वो मैं आपको मार्क करवा दिया करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताया है चैप्टर 1 में पेज 6 के एंड पे दोनों मेथड, कौन से दोनों मेथड्स, फाइव फोर वेटेड एवरेज, इनका कंपैरिजन है एडवांटेज और डिसएडवांटेज, ये चुनने से आधा पेज भी बनता, ये आपने याद करने हैं। तो इस चैप्टर में से डबल एंट्रीज मैंने नहीं कराई, कॉस्ट एनआरवी बता दिया बहुत है, एक सवाल इसका अभी कराने लगा हूं, एक सवाल आपको होमवर्क देने लगा हूं, उसके अलावा इस चैप्टर बहुत है फिर भी अखलाकन का एक सवाल आपको और करा दूंगा। तो अभी आप आ जाइए पेज नंबर 10 पे, क्वेश्चन नंबर 6 सुपीरियर एंटरप्राइजेस, और मैंने कल कहा था किताब का जिन लोगों ने अभी तक किताब नहीं खरीदी सिर्फ आज के लिए ताकि आप खाली ना बैठे रहें, मैंने इस सवाल की सॉफ्ट कॉपी अपलोड कर दी है, लेकिन ये रोज नहीं होगा, किताब आपने खरीदी है तो आपको मैंने अपलोड की हुई है, आप इसमें पीडीएफ की फाइल है क्वेश्चन 6 सुपीरियर, ये आप खोलिए सवाल पढ़ लें, मैं बोर्ड पे करता हूं। जिन लोगों के पास बुक्स हैं पेज नंबर 10 पे क्वेश्चन नंबर 6 सुपीरियर एंटरप्राइजेस पे आ जाइए, जिनके पास बुक्स अभी फिलहाल नहीं है वो कल लाजमी आपके पास हो, क्योंकि इसमें से मैंने होमवर्क भी देना है, तो मैं होमवर्क वाला सवाल भी चलें सॉफ्ट कॉपी डाल दूंगा। अभी आप इस सवाल को पढ़िए और मैं बोर्ड पे करता हूँ उसको सॉल्व। चले सवाल पढ़ लिया सबने, इस सवाल को सॉल्व करता हूँ, लेकिन काम ये करते हैं कि मैंने जिक्र किया था कि आपको ना लेक्चर नोट इंशाल्लाह से बना दूंगा कि आप जब दोबारा पढ़ने बैठे कभी तो ख्याल आ जाएगा पढ़ने का, तो जब पेपर की तैयारी करने के लिए बैठेंगे
तो जो कुछ मैंने क्लासेस में पढ़ाया हो सिखाया उसमें से मैक्सिमम चीजें आपको लिखवाई हूँ। तो जो चीजें आपको मैं जैसे मैंने भी बोर्ड पे लिखा था कॉस एंड वी के बारे में या जो कुछ भी मैं बोर्ड पे किया करूंगा वो तो नोट करना ही आपने। इसके अलावा काफी सारी नसीहतें ऐसी हैं सवाल करने में काम आएंगे वो मैं आपको नोट्स कहकर लिखा दिया करूंगा कि नोट लिख लें, टिप्स लिख लें, कभी टिप्स कह दूंगा, कभी कहूंगा नसीहतें लिख लें। तो ये मैं वो पॉइंट्स लिखवा रहा हुआ करूंगा जो आपको एग्जाम में सवाल करने में हेल्प देंगे, टिप्स हैं, नोट्स हैं। तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन के हवाले से वो दो तीन नसीहतें लिख लें, लिख लिखवाता हूँ। कभी अंग्रेजी में मूड होगा तो अंग्रेजी लिखवा दूंगा, कभी आप उर्दू का मूड होगा तो उर्दू बता दूंगा। अब आप लोग जो उर्दू वाला है वो अंग्रेजी में खुद बना के लिख लेना, लेकिन लिखना, ये जबानी याद नहीं रहेगी, बातें लिखनी है। सबसे पहली बात क्या लिखें समझ ले पहले। अगर एक प्रोडक्ट है ए और इस प्रोडक्ट के 100 यूनिट्स है, एक प्रोडक्ट है बी इसके 200 यूनिट्स है, एक प्रोडक्ट है सी इसके 120 यूनिट्स है। ये तीन तरह के प्रोडक्ट हमारे स्टॉक पे पड़ेगा। इन तीनों की ए की प्राइस और है, बी की और है, सी की और है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, कॉस्ट और है। तो क्या ऐसा किया जाए कि इस सारे प्रोडक्ट के सारे यूनिट्स की टोटल कॉस्ट और टोटल एनर्जी का मुकाबला किया जाए, ऐसे किया जाए? यानी मैं ये कह रहा हूँ कि ए की जो कॉस्ट है वो 50,000 है, बी की कॉस्ट 80,000 है, सी की कॉस्ट 42,000 है, इसकी एनआरवी 45 है, इसकी एनआरवी 78 है, इसकी एनआरवी 68 है, ये बन गई 172, ये बन गया कितना 105, 113 और 191। क्या ऐसा किया जाए कि इन्वेंट्री प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी प्रोडक्ट सी सारे मिला के टोटल 172 कॉस्ट के हैं, इन सबकी टोटल एनआरवी 191 है, तो इन्वेंट्री सबने कहा था कि लोअर कॉस्ट एनआरवी, तो 172 पे वैल्यू कर लें, ऐसा करना चाहिए? नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट अलग अलग हैं, हो सकता है कोई अच्छा प्रोडक्ट हो, कोई हल्का प्रोडक्ट हो, तो एक की अच्छाई दूसरे की बुराई में नेट नहीं करनी। तो हम इसकी इन्वेंट्री वैल्यूएशन ऐसे करेंगे कि ए का कंपैरिजन किसका कंपैरिजन कॉस्ट एंड एनर्जी का अलग होगा 45, बी का अलग होगा 78 और सी का अलग होगा 42। ये है सही तरीका कि अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं तो उनकी कॉस्ट एंड एनर्जी का कंपैरिजन अलग अलग होगा। अगर सारा मिला के कंबाइन कंपैरिजन कर लेंगे तो वो फेयर नहीं है, हर प्रोडक्ट की अपनी मार्केट है, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी। आप देखिए सी प्रोडक्ट इतना अच्छा है, इतना फायदा देगा, लेकिन ये दोनों अच्छे नहीं है, फारिग है। तो हो ये रहा था कि अगर मैं 172 और 191 को कंपेयर करूं तो सी की अच्छाई में इनकी खामियां छुप गई, जबकि अब हमें नजर आ गया कि ए और बी की एनआरवी कम है जबकि सी की कॉस्ट कम है। तो वैल्यूएशन जब आप करेंगे तो एनआरवी और कॉस्ट का कंपैरिजन, सारी इन्वेंट्रीज का ग्रैंड टोटल का कंपैरिजन नहीं करना, ये कंपैरिजन प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट बेसिस पे करना। तो एक नोट लिख लें कि अगर मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, बल्कि लिखवा देता हूं, लेकिन पहला पॉइंट, इन केस ऑफ मल्टीपल प्रोडक्ट्स ये मैं क्या लिखवा रहा हूँ, ये मैं आपको लिखवा रहा हूँ इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए वो सुनहरी बातें जो आपको काम आएंगी सवाल करने में। उन्हें नंबर वन लिखिए, इन केस ऑफ मल्टीपल प्रोडक्ट्स कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी, इन केस ऑफ मल्टीपल प्रोडक्ट्स कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी शुड बी मेड ऑन प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट बेसिस। इन केस ऑफ मल्टीपल प्रोडक्ट्स कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी शुड बी मेड ऑन प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट बेसिस, यानी हम ए बी सी इनका अलग अलग कंपैरिजन करेंगे। उसकी मिसाल में लिखना है तो आप लिख लें, नहीं तो कोई बात नहीं। अगला पॉइंट लिखें, अच्छा अगले में भी पहले समझ लें बात। ए के 100 यूनिट्स हैं, बी के 200 हैं, सी के 120 हैं। अभी जो मैंने पॉइंट लिखाया कि हम कंपैरिजन अलग अलग करेंगे, तो क्या इसका मतलब ये है कि ए के 100 यूनिट्स 100 अलग अलग कंपैरिजन, एक यूनिट की कॉस्ट एनर्जी कंपैरिजन अलग, दूसरे की अलग, तीसरे की अलग, चौथे की अलग, इसी तरह बी के 200 यूनिट्स का अलग अलग कंपैरिजन, क्या ऐसा करना है? नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट एक है, इसके 100 यूनिट सारे एक जैसे हैं, बिकेंगे भी एक ही जितने, एक का प्रोडक्ट है ना। तो सिर्फ जब हम प्रोडक्ट एक ही बात कर रहे हैं तो 50 और 45 का कंपैरिजन सही है, यानी ये कंपैरिजन सही है। ये करने की जरूरत नहीं है कि प्रोडक्ट ए के 100 यूनिट जिनमें से हर एक 500 रुपए का है, हर कोई 450 का बिकेगा, तो हर यूनिट का 500 450 450 का कंपेयर करना, ये नहीं करना। क्योंकि प्रोडक्ट के यूनिट एक जैसे हैं तो फिर इनकी कॉस्ट और एनआरवी के कंपैरिजन के लिए इनको हम कंबाइंड ही रखेंगे। तो दूसरा नोट ये लिख लें, अब अंग्रेजी का मूड नहीं है, मैं उर्दू बता रहा हूँ कि अगर एक प्रोडक्ट के मल्टीपल यूनिट हैं लेकिन एक जैसे फिजिकली, क्योंकि एक जितने ही के बिकेंगे, तो उनका एनआरवी और कॉस्ट का कंपैरिजन कंबाइंड ही होगा। दोबारा सुन लें, पहली बात मैंने ये की थी कि अगर मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं तो हर प्रोडक्ट का अलग अलग कंपैरिजन है, किसका कंपैरिजन कॉस्ट एनआरवी का। अब मैंने ये बात की है कि ये प्रोडक्ट के अंदर यूनिट्स की डिटेल तक नहीं उतर जाना, अगर एक प्रोडक्ट के यूनिट्स एक जैसे हैं फिजिकली तो उनमें हम टोटल कंपैरिजन कर रहे होंगे, यानी 100 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट और 100 यूनिट्स की टोटल एनआरवी, इनमें एक एक करके नहीं कंपैरिजन करना। तो अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं हर प्रोडक्ट का अलग अलग कंपैरिजन, दूसरी बात मैंने की है लेकिन एक ही प्रोडक्ट के जो एक जैसे यूनिट्स हैं उनका इकट्ठा कंबाइंड कंपैरिजन करना। चलिए यार की मैं अंग्रेजी बता देता हूं, All units of a single product are combined for this comparison of cost and NRV. All units of a product are combined for the comparison of cost and NRV. However, इसी में however, अभी यहाँ से गलती पूरी करता हूँ, अगर ऐसा हो कि ये 100 units में से 80 units तो ठीक है लेकिन 20 units बड़े बड़े खराब हो गए हुए हैं, ये डिफेक्टिव हैं। अब ये चूंकि ठीक है तो ये तो महंगे अच्छे बिकने हैं, लेकिन ये खराब है, ये अच्छे नहीं बिकेंगे, सस्ते बिकेंगे, गाड़ियों को बेचने पड़ेंगे। तो अब इस सूरत में वही मामला आ जाएगा कि एक ही खामी दूसरे की अच्छाई में छुपा नहीं लेनी। तो मैंने जो पॉइंट लिखा है दूसरा रिपीट कर रहा हूँ,
all units of a single product are combined for the comparison of cost and NRV. However, comparison for defective units shall be made separately from good units of that product. However, comparison for defective units shall be made separately from good units of that product. तीसरा नोट लिख लें, तीसरा नोट ये लिख लें कि जो मैंने आपको एनआरवी लिखाई थी, एनआरवी क्या होती है? एक्सपेक्टेड सेल प्राइस. अच्छा, इसकी भी बात समझ लें. एक प्रोडक्ट है, अच्छा, जो तीसरा पॉइंट है ना, वो मैं आपको अंग्रेजी लिखवाने की बजाय यहाँ बोर्ड पे समझा रहा हूँ, तो इसके बारे में जो समझ आए वो उसी तरह से लिख लेना और अपने हिसाब से लिख लेना, आप समझ लेंगे. हमारे पास एक इन्वेंट्री आइटम मौजूद है, ईयर एंड पे इन्वेंट्री आइटम मौजूद है. ये पास्ट है और ये फ्यूचर. हम यहाँ खड़े, ये पास्ट है, वो फ्यूचर है. जो चीज़ हमारे पास ईयर एंड पे है, पास्ट में ऑन एन एवरेज हम बेचते आए हैं 200 रुपये की. ये चीज़ हम पास्ट में ऑन एवरेज 200 रुपये की बेचते आए हैं, लेकिन आगे जो मार्केट के हालात हैं उनमें आ गई खराबी, और आगे यानी फ्यूचर में अब हम इसको 200 का नहीं बेच पाएंगे, अब हम इसको 170 का बेच पाएंगे. पहले हालात अच्छे थे, 200 का बेचते थे, लेकिन 200 का नहीं बेच सकेंगे, अब हम 170 का बेच सकेंगे. लेकिन फिर भी हम मार्केट में बाकियों से बेहतर होंगे, क्योंकि बाकियों के जो मार्केट प्राइस चल रही होगी, एक्सपेक्टेड जो कंपेटिटर्स होंगे ना, उनकी प्राइस चल रही होगी 160. अभी मैंने तीन फिगर्स देखी हैं. अभी हम ईयर एंड पे खड़े हैं, पास में ऑन एन एवरेज हम 200 पर यूनिट बेचते आए हैं, लेकिन अब से ऑनवर्ड फ्यूचर में हमें उम्मीद है कि हम 170 का बेच लेंगे और बाकी लोग 160 का बेच रहे होंगे. ये तीन फिगर्स बताएंगे. हम ईयर एंड पे खड़े हैं, जो प्रोडक्ट जिसकी एनआरवी कैलकुलेट कर रहे हैं उसको पास में 200 का बेचते आए हैं, अब से ऑनवर्ड उम्मीद है कि 170 का बेच लेंगे, जबकि मार्केट में बाकी लोग 160 का बेच पाएंगे. एनआरवी कैलकुलेशन के लिए एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस क्या लेनी चाहिए? 200, 170 या 160? एनआरवी कैलकुलेशन के लिए एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस क्या लेनी चाहिए? 200, 170 या 160? हाँ जी, एनआरवी होती है एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, फ्यूचर के हम कितने का बेच लेंगे. तो 200 नहीं, 170. अच्छा, 170 या 160? अब यहाँ पर एक नफसियाती मसला यह है कि स्टूडेंट समझता है कि इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट ऑन एनआरवी, तो उसका मतलब है शायद इसको लोएस्ट पॉसिबल, सस्ती तरीन, फजूल तरीन, घटिया तरीन वैल्यू पर रिकॉर्ड करना है. नहीं, मकसद ये नहीं है कि इसको बहुत लो पर रिकॉर्ड करना है, कंपैरिजन है सिर्फ कॉस्ट और एनआरवी का. एनआरवी जितने का हम बेचेंगे, अब जब बेचेंगे तो अकल की बात है, वहीं बेचेंगे जहाँ अच्छा बिकेगा. बहरहाल, एनआरवी के लिए जो सेलिंग प्राइस ली जाती है वो सेल प्राइस ली जाती है जितने का हम बेच लेंगे, जितने का दुनिया में बाकी लोग बेच रहे नहीं, जितने का हम बेच लेंगे. तो इन तीनों की तीनों चीज़ें अगर अवेलेबल हुई, अगर आपको अवेलेबल हुआ कि हम 170 का बेच लेंगे, बाकी लोग 160 का बेचेंगे, हाँ पहले में 200 का बेचते आए हैं, तो हमारे लिए ये एनआरवी, तो पहले नंबर पे हम इसको चूज करेंगे. हो सकता है सवाल में डाटा कम हो कि आपको ये ना बताया, ये ना आपको जो मैं नंबरिंग करके दे रहा हूँ ना, ये प्रायोरिटी है, इसकी प्रायोरिटी है कि आपने एनआरवी के लिए सेल प्राइस किसको मानना है. अगर ये तीनों फिगर्स अवेलेबल है तो ये एनआरवी, लेकिन अगर ये नहीं पता और आपको बताया कि पहले में इतने का बेचते आए हैं लेकिन आगे मार्केट प्राइस कम होकर इतनी रह जाएगी, तो फिर अब हम इसको चुनेंगे. लेकिन अगर दोनों ही नहीं पता, सिर्फ इतना बताया कि हम जो चीज़ इतने की बेचते थे, बस फ्यूचर की इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस सिर्फ पास की इन्फॉर्मेशन है कि हम ये चीज़ इतने की बेचा करते थे, अब मजबूरी है एनआरवी निकालनी है, तो आगे कितने की बेचेंगे, आगे भी फिर इतने ही बेच लेंगे. तो आखिरी हल ये है कि अगर ये भी नहीं पता तो फिर इससे काम चला लेंगे. यानी फॉर एनआरवी कैलकुलेशन आपने एक्सपेक्टेड सेल प्राइस कौन सी यूज करनी है, सबसे पहली प्रायोरिटी वो जितने का हम बेच लेंगे. नहीं पता, चलो मार्केट प्राइस ले लेंगे. ये भी नहीं पता तो ये देख लेंगे कि हम पहले कितने का बेचते आए हैं. चलिए सवाल पे आते हैं वापस. ये आपको नसीहतें बतानी थी, ये बता दी, अब सवाल पे वापस आ जाइए. इतनी देर फिर भूल गए होंगे कि सवाल में क्या पढ़ा था, एक नज़र सवाल पे और मार लें बस मेरे बोर्ड मिटाने तक, और अगर भूल भाल गए तो वीडियो यहाँ स्टॉप करके आप सवाल पढ़ लें. सवाल पढ़ लीजिए. अच्छा, इस सवाल में ना रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है कि यूजिंग एनी ऑफ द मेथड्स अलाउड अंडर राइज़ 2. कौन से मेथड अलाउड है? FIFO अलाउड है और वेटेड एवरेज अलाउड है. तो जो आपकी बुक के अंदर ये राइज़ वाली, इसमें जो सोल्यूशन किया हुआ है वो किया हुआ है FIFO से, वो किया हुआ है FIFO से. तो एक वो वैरायटी आ गई, मैं आपको वेटेड एवरेज से कर देता हूँ, तो दोनों वैरायटी आ जाएंगे. FIFO से किया हुआ, मैं वेटेड एवरेज से कर देता हूँ, दोनों वैरायटी आ जाएंगे. चार प्रोडक्ट्स हैं ABCD और चारों का डाटा अलग अलग बताया हुआ, और आपसे पूछी हुई है कि इन्वेंट्री की वैल्यू बता दें. अब इसमें अगर आइटम ज्यादा हो तो आप एक हल तो कर सकते हैं कि एक टेबलर वर्किंग कर दें जिसमें सारी आइटम्स आप साइमल्टेनियसली लेके चल रहे हो. ये भी एक तरीका है. जो सवाल होगा दूंगा उसमें इसी तरीके से सॉल्व किया हुआ है. दूसरा तरीका ये है कि हर आइटम को अलग अलग लेके चलें, इससे कंफ्यूजन कम रहेगी. तो एक तरीका है टेबलर, जिसमें आप सारा एक ही टेबल के अंदर मैच बचाते हैं और एक ही लाइन के अंदर सारे प्रोडक्ट की कैलकुलेशन कर रहे हो. टेबल बना लें, ABCD कॉस्ट निकालें तो चारों की निकालें, एनआरवी निकालें तो चारों की निकालें, सेलिंग कॉस्ट है तो चारों की. एक ये तरीका है, जो होमवर्क देना है सवाल वो इस तरीके के मुताबिक सॉल्व किया हुआ है. और दूसरा तरीका यह है कि आप हर एक को अलग अलग सॉल्व करें, तो वैरायटी हो जाएगी. दोनों तरीके बता देता हूं. तो मैं क्वेश्चन 6 सॉल्व कर रहा हूं और जो पीछे इसमें सॉल्यूशन मौजूद है वो FIFO से है, मैं वेटेड एवरेज से कर रहा हूं, तो और वैरायटी मिल जाएगी. हर प्रोडक्ट को अलग अलग लेके चलते हैं. प्रोडक्ट ए की बात करते हैं. प्रोडक्ट ए की पहले निकालते हैं कॉस्ट.
और चूंकि मैंने कहा कि मैं वेटेड एवरेज से सवाल सॉल्व कर रहा हूं, तो वेटेड एवरेज में कॉस्ट निकालने का तरीका होता है कि जो स्टॉक पहले से पड़ा हुआ है उसकी वैल्यू प्लस जो नई चीजें खरीदी उनकी वैल्यू डिवाइडेड बाय जो यूनिट पहले पड़े थे प्लस जो नए खरीदे। क्योंकि ट्रेडिंग बिजनेस है इसी खरीदे की बात कर रहा हूं, मैं मैन्युफैक्चरिंग होता तो हम बनाने की बात करते। इनको मिला के एक एवरेज रेट निकाला जाता है, वेटेड एवरेज रेट। दोबारा सुन लीजिए, ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट प्लस परचेजेस की कॉस्ट। ट्रेडिंग बिजनेस है इसलिए मैंने परचेजेस लिखा है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होता तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड लिखता, डिवाइडेड बाय ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स प्लस परचेज के यूनिट्स। अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होता तो मैं यहां पर प्रोडक्शन के यूनिट्स लिखता, होमवर्क दूंगा वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। तो वेटेड एवरेज रेट निकालने का फॉर्मूला, ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू दी हुई है, ओपनिंग स्टॉक है हमारे पास ए का 45,000 का प्लस परचेजेस। परचेजेस में देखिए ज्यादा तरह की चीजें नहीं हुई है, एक परचेज की इनवॉइस वैल्यू है ये तो आएगी आएगी, फिर उसके बाद ड्यूटीज हैं, और ड्यूटीज आपको पता है कि जो रिफंडेबल ड्यूटीज हैं वो ऐड नहीं होती, नॉन रिफंडेबल होती हैं। तो परचेज में 810 आ जाएगा प्लस 90 आ जाएगा, और प्लस अगर इनको स्टोर तक पहुंचाने में को ट्रांसपोर्टेशन है, जो कि टेबल के नीचे देखिए पहली लाइन में कि जो ट्रांसपोर्टेशन है गोडाउन पे पहुंचाने के लिए वो 100 रुपये पर यूनिट है। अब 100 पर यूनिट है तो हमने एक यूनिट तो नहीं खरीदा ना, हमने तो खरीदे हैं 360 यूनिट्स, तो ये बन गया 36,000। ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू गिवन है, परचेजेस ये मैंने निकाल ली, खरीदा कितने का, नॉन रिफंडेबल ड्यूटीज और ट्रांसपोर्टेशन, डिवाइडेड बाय ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स, ये भी आपको टेबल में दिए हैं, ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स 30 और जो नए खरीदे वो थे 360। अब जब यहां से आप इसको सॉल्व करके वेटेड एवरेज रेट निकालेंगे, और डिवाइडेड बाय 390,000, ये निकला जी 2515। ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू साथ इसमें परचेजेस की वैल्यू और साथ इसमें डिवाइडेड बाय इनके यूनिट्स, तो ये पर यूनिट रेट बन गया 2515। अब निकालते हैं एनआरवी। अब जो एनआरवी है ना, एनआरवी के लिए चूंकि प्रोडक्ट ए के दो तरह के यूनिट्स हैं, साबुत अलग हैं और जो डिफेक्टिव हैं वो अलग हैं, जो 25% है वो खराब हैं और जो बाकी हैं वो सही हैं, तो इनमें हम अलग अलग करेंगे, जो नॉर्मल हैं उनको अलग करेंगे और जो डैमेज हैं उनको अलग करेंगे। जो नॉर्मल वाले हैं इनकी एनआरवी है सेल प्राइस, कितने का बेच लेंगे, ए कितने का बेचेंगे नहीं बताया, तो फिर उतने का बेचेंगे जितने का पहले बेचते थे, पहले कितने का बेचते थे ये कैसे पता, ये आपको टेबल से नजर आ जाएगा। अगर आपको टेबल लिखें तो आखिरी दो कॉलम इतने बेचे और इतने के बेचे, तो अगर हम ये सॉल्व कर लें तो हमने बेचे थे 1015000 के 350 यूनिट्स, ए कितने का बेचा 2900 का, और इसको बेचने के लिए अगर पहले हमने इतने का बेचा तो आइंदा भी इतने का ही बेच लेंगे। अब इसको बेचने के लिए खर्चा कोई होगा, बिल्कुल होगा, पॉइंट नंबर 2 ट्रांसपोर्टेशन है कस्टमर तक पहुंचाने के लिए, तो ये बेचने का खर्चा है, तो इसलिए ट्रांसपोर्टेशन आउट में से कर लेंगे। कॉस्ट टू सेल कितने पैसे लगते हैं, 150 लगते हैं, 150 इसमें से माइनस कर लेते हैं, तो ये बन गया 2750। जो डैमेज्ड हैं इनको कितने का बेचेंगे, डैमेज के बारे में लिखा हुआ है कि जो डैमेज्ड हैं ये नॉर्मल सेल प्राइस के 60% का बेच सकते हैं, तो अगर नॉर्मल सेल प्राइस 2900 है तो उसका 60% बन गया 1740। और इसको भी अजम्पशन ले लेते हैं कि बेचेंगे तो मार्केट में ले जाना पड़ेगा, तो 150 इस पे भी आएगा। अगर आप अज्यूम कर लें कि नहीं ये कमाईयों को बेचने हैं और वो खुद खा के ले जाएगा तो मर्जी है, लेकिन जब कह दिया कि कस्टमर तक पहुंचाना है तो ये भी कस्टमर को बेचेंगे, तो इसमें हमें नेट मिलेगा 1590। अब ये हो गई कॉस्ट, ये हो गई एनआरवी। अब इसमें वैल्यू नॉर्मल की, नॉर्मल है कितने स्टॉक के यूनिट्स वो तो बताए नहीं, तो स्टॉक के यूनिट्स वो भी निकालने पड़ेंगे हमें। स्टॉक के यूनिट भी निकाल लेते हैं, स्टॉक के यूनिट कैसे निकालें, कोई अनोखा काम नहीं है। स्टॉक के यूनिट्स हम निकाल लेते हैं, क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स पहले कितने थे 30, 360 और खरीदे, बेच दिए 350, तो फिर 40 बचे रह गए। ये क्या किया, दोबारा देख लें, 30 यूनिट्स दिए हुए सवाल में साल के शुरू में थे, 360 और खरीदे ये भी दिए हुए और 350 बेच दिए ये आखिर में दिए हुए, तो बाकी पर 40 बच गए। तो जो 40 बच गए इनमें से 25% खराब है, तो बाकी 75% सही है, तो 40 के 75% हो गए 30। जो 30 यूनिट्स हैं इनकी कॉस्ट और एनआरवी में से क्या लोअर है, कॉस्ट लोअर है, और जो डिफेक्टिव वाले हैं डैमेज वाले हैं इनकी कॉस्ट और एनआरवी में से एनआरवी लोअर है। तो जो 10 यूनिट्स डिफेक्टिव हैं इनकी एनआरवी लोअर है। तो जो प्रोडक्ट ए है इनकी कॉस्ट बन गई 10 यूनिट की 15900, और वो जो सही साफ सुथरे सेहतमंद वाले हैं उनकी बन गई 75450। तो ए की इन्वेंट्री की वैल्यू बन गई 91350। बिल्कुल इसी पैटर्न पे अब मैं बी सी और डी भी करने लगा हूं। ये एक बार फिर दोबारा देख लीजिए, क्योंकि बाकी के लिए मैं उतना ज्यादा टाइम लगाऊंगा, जल्दी करूंगा, समझा इसमें दिया। दोबारा देख लीजिए कॉस्ट, मैंने कहा मैं फाइव से सॉल्व हुआ, मैं वेटेड एवरेज से कर रहा हूं ताकि आपका डबल वैरायटी हो जाए। वेटेड एवरेज में तरीका ओपनिंग 7 परचेजेस, अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होता तो उसके साथ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ रही होती, डिवाइडेड बाय ओपनिंग के यूनिट्स परचेजेस के यूनिट्स, अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होता तो मैन्युफैक्चर्ड यूनिट्स आ रहे होते। यहां से निकलेगी पर यूनिट रेट, ये निकली कॉस्ट वेटेड एवरेज मेथड। फिर इसकी निकाली मैंने एनआरवी, क्योंकि यूनिट्स नहीं बताते तो मैंने यूनिट्स निकाले।
ओपनिंग प्लस नए खरीदे माइनस बेच दिए तो बाकी इतने बचे रह गए होंगे। मैंने कोई फाबुला नहीं है, ये तो सिंपल अकल की बात लगाई है। इतने यूनिट साल के शुरू में थे, इतने और खरीदे, इतने बिक गए तो बाकी बच गए। अब ये जो बाकी बच गए इनमें से 25% खराब वाले और 75% सही वाले। तो जो खराब वाले थे उनकी एनआरवी अलग निकाली, जो सही वाले थे उनकी एनआरवी अलग निकाली। और क्योंकि ये बेशक एक प्रोडक्ट है लेकिन सही और खराब का फर्क भी लिखवाया था, कंपैरिजन भी अलग अलग होगा। तो इनके लिए कॉस्ट कम थी, इनके लिए एनआरवी कम थी। ये आ गई प्रोडक्ट ए की वैल्यू। इसको नोट कर लें और फिर मैंने इसी को मिटा के बी सी और डी करने। इसको नोट कर लें, मैं तो मिटाने लगा हूं तो वीडियो यहां पॉज करके पहले इसको नोट कर लें। हाँ जिनको 29 समझ नहीं आया ये इधर। अच्छा ये ना, ये जो मैंने मकड़ी बनाई है ना, ये आई कैप के बिल्कुल एक्सेप्टेबल वर्किंग है, छोटी सी वर्किंग होती है ये। ये मकड़ी का निशान बना देते हैं तो हमारा ये बताने का मकसद होता है आई के वालों को कि हमने जो फिगर ये बताई है ना कैसे निकली, ये भी बस आपको नीचे बताने लगे। तो ये मकड़ी का साइन लगा के इधर ये फिगर कैलकुलेट कर देते हैं। 1015 / 350 जो फिगर बस वैसी बतानी हो ना कैसे निकली है, या तो उसको ब्रैकेट में अंदर ही साथ दिखा दे, जगह कम हो तो ये मकड़ी बना के नीचे अलग से दिखा दे। चलें जी बी करते हैं। बी बी का जो ओपनिंग स्टॉक था, बी का ओपनिंग स्टॉक हमारे पास जो शुरू में पड़ा हुआ था वो था 90,000 का। यहाँ आ जाएगा 90,000 प्लस बी के जो हमने खरीदे 780 यूनिट्स, 1560 के खरीदे प्लस 200,000। अच्छा मैंने यार कल परसों से ना क्लास में ये बैठा लूंगा, ये मुझे मोड़ मोड़ के ना वैल्यू देनी पड़ती है, कैलकुलेशन भी खुद करनी पड़ती है। 150,000 ये 2 लाख नहीं है, 150 है। देखो ना ये मोड़ मोड़ के देखने से ही होता है। जितने की खरीदी वो साथ नॉन रिफंडेबल ड्यूटीज और ट्रांसपोर्टेशन, 780 यूनिट खरीदे और 100 रुपये पे एक हमें ट्रांसपोर्ट होता है, तो 78,000 डिवाइडेड बाय साल के शुरू में 60 यूनिट्स मौजूद थे प्लस 780 और खरीदे, तो इसमें 90,000, 1560,000, 150,000, 78,000, इनको डिवाइड कर लेते हैं कितने से, 780 और 60, तो पर यूनिट कॉस्ट बन गई 2236। ये होगी कॉस्ट। यूनिट हमारे पास कितने हैं, यूनिट साल के शुरू में थे 60, 780 और खरीदे और बेच दिए 800, कितने रह गए 40। चलिए इसके भी 40 ही रह गए, एनआरवी निकालते हैं। बी अब हम कितने का बेच लेंगे नहीं बताया, तो फिर कितने का बेचेंगे जितने का पहले बेचते थे। पहले कितने का बेचते थे, हमने 2080000 के 800 यूनिट्स बेचे थे, तो फिर अभी उम्मीद है इतने का ही बेच लेंगे। तो 2080000 डिवाइडेड बाई 800, 2600, अभी फिर हम 2600 का ही बेच लेंगे और 150 इसको बेचने में खर्चा आएगा तो एनआरवी हो जाएगी 2450। अब एनआरवी और कॉस्ट, कॉस्ट कम है तो वैल्यू हो जाएगी 40 यूनिट्स इंटू कॉस्ट, 2236 × 40, 89,440। ये हो गया बी। इसको नोट करिए फिर मैं सी करता हूँ सॉल्व। जी डन, अब आते हैं। ये मैं प्रोडक्ट बी था, बी ये मैंने बी किया था, ये प्रोडक्ट बी था, ये प्रोडक्ट बी था। प्रोडक्ट सी, प्रोडक्ट सी वो भी ऐसे ही है, पहले कॉस्ट निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट सी के ओपनिंग यूनिट थे 40 और वो थे 120,000 के, 120,000 40। फिर जो यूनिट्स नहीं खरीदे, फिर बता रहा हूँ ये ट्रेडिंग बिजनेस है इसलिए ऊपर परचेजेस आ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होता तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ जाता। ये जो सी के हमने नए खरीदे 18-20 के खरीदे, फिर इसको जो ड्यूटीज पड़ी नॉन रिफंडेबल वो 2 लाख थी और इसको हमें गोडाउन तक लाने में 100 रुपये पर यूनिट पड़ा, क्योंकि 560 खरीदे हैं तो 56,000 हमें इस पर ट्रांसपोर्टेशन पड़ गई, 120,000, 18-20, 200,000 और 56,000, ये हमें कॉस्ट पड़ गई कितनी डिवाइडेड बाय, पहले पड़े थे 40 और 560 और खरीदे तो पर यूनिट कॉस्ट आ गई 3660। स्टॉक में कितने यूनिट्स हैं, स्टॉक में 40 पहले थे,
560 और खरीदे माइनस बेच दिए 580, तो स्टॉक में रह गए 20। एनआरवी पे आते हैं। एनआरवी के लिए पॉइंट नंबर 4, मार्केट में हालात बदल गए हैं, कंपेटिटर ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया है जो हमारे सी जैसा ही है, लेकिन चूंकि हमारा सी ज़्यादा बेहतर है तो हम उसको 3200 पे नहीं बल्कि 3500 का बेच सकेंगे। जो कंपेटिटर लाया है वो तो उसको 3200 का बेचेगा, लेकिन हमारी टीम बेहतर हो सकता है, हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा हो, तो हम फिर भी इसको 3500 का बेच लेंगे। अब आपको एनआरवी के लिए ये भी पता चल गया कि हम 3500 का बेचेंगे, ये भी बताया कि बाकी दुनिया 3200 का बेच रही होगी, और ये भी बताया कि पास्ट में हम कितने का बेचते थे, तो सेल प्राइस क्या मानी जाए, कितने का बेचते थे या कितने का बेचेंगे, कितने का बेचेंगे? तो हम बेचेंगे 3500 का, 35 32, हम 35 का बेचेंगे और मार्केट में बाकी लोग 32 का बेच रहे होंगे। कितना लिखूं, 35, हम कितने का बेच लेंगे, और इसको बेचते हुए 150 जाएगा जेब से, तो ये 3350 एनआरवी आ गया, और वैल्यू 20 यूनिट्स, कॉस्ट और एनआरवी में से एनआरवी लोअर है, तो ये 3350 इंटू 20 67000। सी नोट करने पे डी करता हूं, प्रोडक्ट डी, प्रोडक्ट डी के साल के शुरू में थे 80 यूनिट्स 2 लाख रुपए के, फिर इसके बाद हमने पूरे साल के अंदर 1650 के खरीदे और कोई ड्यूटी नहीं ली, और फिर जो लाने पे ट्रांसपोर्टेशन लगी वो लगी 100 रुपए, और जो के यूनिट खरीदे थे 600, तो ये हो गया 60,000। इसका वेटेड एवरेज रेट निकालेंगे 200, 1650 और 60,000, ये बन गया 1910 डिवाइडेड बाय 680, 2809, ये हो गई कॉस्ट। 80 पहले थे, 600 और खरीदे और ये हमने बेचे हैं 350, अरे बड़े थोड़े बिके, तो स्टॉक में रह गए कितने, 330। एनआरवी निकाल लेते हैं, डी कितने का बेचेंगे नहीं बताया, तो बस फिर ये भी उतने का बेचेंगे जितने का पहले बेचते थे, उस पर भी मकड़ी बना के, पहले कितने का बेचते थे 1155 के, 350 यूनिट्स बेचे थे, तो फिर एक कितने का बेचा था 3300 का, तो इसकी सेल प्राइस हो गई 3300, 150 का खर्चा आएगा, तो 3150 एनआरवी। अब कॉस्ट है 2809, एनआरवी है 3150, कॉस्ट कम है, 2809 इंटू 330, 2809 इंटू 330, 926970, ये हो गई कॉस्ट। वैल्यू ए बी सी डी चारों हो गए सॉल्व, और ये कॉस्ट एनआरवी की मुनासिब प्रैक्टिस हो गई। एक सवाल आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आप ये कराएं हो जाएगा इंशाल्लाह, थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, वो कोई बात नहीं, होती रहे, मैं आप करके आएंगे तो डिस्कस करूँगा ना, तो आप ये सवाल करके आ रहे हैं, होमवर्क दे रहा हूँ एक सवाल। अच्छा फिर सुन लें, ये जो क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 8 तक है ना प्रैक्टिस सेट, ये कॉस्ट अकाउंटिंग के सवाल नहीं है, ये FAR 1 साल पुराने और उससे पुराने जो मॉड्यूल भी हुआ करता था, ये उसके सवाल है, आपको प्रैक्टिस के लिए यहाँ बुक में डाले गए हैं। अगर आप समझते हैं कि इन्वेंटरी की वैल्यूएशन आपके लिए बाया का खेल है तो आप मर्जी ना करें, लेकिन अगर ऐसा नहीं है जो कि नहीं होगा, बहुत पुरानी बात होगी इंट्रो पास की, तो आप ये सवाल बेटा खुद कर लीजिएगा, ये खुद ही करने आपने, मैं डिस्कस भी नहीं कराया, आपने खुद ही करने। इसके बाद पेज नंबर 23, ये आई क्वेश्चन बैंक के नाम से 3 क्वेश्चन डले में, ये जो क्वेश्चन 2 और 3 है, हाँ ये कॉस्ट अकाउंटिंग के पेपर के ही सवाल है, जो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 नजर आ रहा है आपको ये 2010 अटेम्प्ट में आया था, और जो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 नजर आ रहा है ये 2012 में आया था। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है XYZ लिमिटेड, ये आपका होमवर्क है, इसमें आप लोग वैल्यू अमाउंट का मतलब वैल्यू ये सॉल्व करके ला रहे हैं। इसमें अच्छी बात यह है कि इसमें 2 में वेटेड एवरेज है, 2 में 5 है, वो भी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर इसमें एनआरवी का पॉइंट अच्छा है, वो मैं आप लोगों को तभी बताऊंगा जब आप खुद करके आएंगे, करेंगे ट्राई तो फायदा होगा। तो आपका होमवर्क पेज नंबर 23 क्वेश्चन नंबर 2 XYZ, एक तरह से ये पीछे सॉल्व हुआ है और एक तरह से मैंने टेबल बना के सॉल्व किया, अभी जितना किया मैंने हर प्रोडक्ट अलग अलग, एक मैंने कहा था जमाने के टेबल बना के सब मिक्स भी कर सकते हैं, तो जो होमवर्क दे रहा हूं उसमें जो पीछे सॉल्व हुआ है वो हर कोई अलग अलग हुआ है, और आप टेबल फॉर्मेट में करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, और उसके लिए मैंने एक सोल्यूशन वेबसाइट पर आपको वहाँ जॉब लिंक के साथ मैंने अपलोड कर दिया हुआ है। तो ये सवाल आप करके आ रहे हैं, कर रहे हैं, जो आपको जो सोल्यूशन मैंने दिया है जो पीछे उसमें फर्क नजर आएगा राउंड ऑफ की वजह से, मैंने राउंड ऑफ किया हुआ है और उसमें जो है वो एक्सेल को यूज किया हुआ है, तो राउंड ऑफ नहीं किया हुआ है, थोड़ा बहुत फर्क है, कोई मसला नहीं, करके आ रहे हैं, करके आ रहे हैं। ये सवाल दोबारा करना हो तो कर दीजिएगा मेहरबानी, होमवर्क जो दिया आपको वो क्वेश्चन नंबर 2 पेज 23, इसका सोल्यूशन मैंने भी एक बना के तो अपलोड कर दिया है, आप वो देखना चाहें वो देख लीजिए, जो पीछे सोल्यूशन है वो देखना चाहें वो देख लीजिए, लेकिन ये करके आइएगा। कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।